हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। अब हम बात कर रहे हैं स्टोशियोमेट्री की। स्टोशियोमेट्री का मैंने लास्ट क्लास में भी आपको मतलब बताया था। इसका मतलब स्टोशियो का मतलब होता है एलिमेंट्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो स्टोशियोमेट्री मतलब एलिमेंट्स की मेजरमेंट, किस किस फॉर्म में, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम या मास मास। तो इन फॉर्म में हम इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो लॉज हमने लास्ट क्लास में सीखे थे उन्हीं का इस्तेमाल करके। जैसे मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और बनाता है NH3, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ फिक्स रहेगी, वो है मास की रेशियो। देखो यहाँ पर अगर मैं इनका मास लूँ तो इसका आता है 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम और इसका 34 ग्राम। तो दिखाई दे रहा है इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है प्रोडक्ट के। एक तो ये बात है, दूसरी बात है वॉल्यूम। इसका एक वॉल्यूम, इसके तीन वॉल्यूम और इसके दो वॉल्यूम, ये रेशो। और तीसरी बात है मोल। इसका एक मोल, इसके तीन मोल, इसके दो मोल, ठीक है। तो मास को छोड़ के बाकी सब में आपकी रेशियो फिक्स रहेगी। एक और चीज देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के यहां पे एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल हैं और NH3 के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं। आसान है, देखो ये तीनों तो एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस इसको थोड़ा अलग ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो मान लो एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से और बनाता है NaCl। सबसे पहला काम क्या है आपका, कि रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। दो सोडियम दो क्लोरीन दो NaCl बनाते हैं। एक सोडियम 23 ग्राम का है तो दो सोडियम कितने के हो गए, 46 ग्राम के या 46 ग्राम के। एक क्लोरीन 35.5 ग्राम का है तो दो कितने के हो गए, 71। सोडियम फिर वही 23 का, ये 35.5 का, तो टोटल कितना हो गया, 117, ठीक है। 23 प्लस 35.5 कितना हो गया, 58.5, उसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 117। अब मैंने आपसे कहा कि भैया ये तो मास है इनका, अगर कोई आपको क्वेश्चन में कहे कि ये 30 ग्राम है तो ये कितना होना चाहिए और उन दोनों के मिलने से ये कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 46 ग्राम के लिए 71 रिक्वायर्ड है, तो 30 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 71 बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय, यूनिटरी मेथड है सिंपल, ठीक है। ऐसे इसको देखो, 46 ग्राम 117 ग्राम बनाता है तो 30 ग्राम कितना बनाएगा, 117 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 30। ये था आपका मास का केस। एक और केस लेते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम देखो तो यहाँ पे आता है आपका 2:1:2 की रेशो में। ठीक है, दो ये होंगे एक ये होगा तो दो ये चाहिए, ठीक है भैया। अगर ये 20 हुए तो ये 10 होने चाहिए और ये 20 होने चाहिए। अगर ये 70 हुए तो ये कितने होने चाहिए और ये कितने होने चाहिए, पता लगाओ। ऐसा ही काम है आपके मोल का, अगर इसके दो मोल हैं, इसका एक मोल और इसके दो मोल होने चाहिए।
अगर इसके 7.5 मोल हो तो इसके कितने होंगे और इसके कितने होंगे? ठीक है, इसके तो हाफ हो जाएंगे 7.5 के, और इसके एग्जैक्ट 7.5 ही होंगे। ऐसा ही केस आ सकता है आपके साथ एटम का या मॉलिक्यूल का। 700 एटम सोडियम के कंबाइन करते हैं कितने क्लोरीन के साथ कि वो बना सके 700 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। ठीक है, या ऐसे ले लो 2×10⁻³ एटम्स सोडियम के, या इसका उल्टा कर लो, मैं एक काम करता हूँ प्रोडक्ट दे देता हूँ, रिएक्टेंट पूछता हूँ, 6×10⁷ मॉलिक्यूल्स NaCl बनाने के लिए कितने Na और कितने Cl चाहिए? तो हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट और इनके मास, जो फिक्स मास हैं, गिवन फिक्स मास, उसकी मदद से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब बात आती है लिमिटिंग रिएजेंट की। जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी, जो NaCl दिखाया उसकी रेशियो थी अपनी, अगर मैं किसी चीज़ को उस रेशियो में ना दूँ तो ज़रूरी नहीं है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को पूरी तरीके से कंज्यूम कर पाए। कोई एक चीज़ ज़्यादा पड़ जाएगी यानी कि एक्सेस अमाउंट में, और दूसरी चीज़ कम पड़ जाएगी यानी कि लिमिटिंग अमाउंट में। जो चीज़ कम पड़ जाएगी, जो लिमिटेड होगी, उसी को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि भैया मैगी बनाने के लिए 2 कप पानी चाहिए तो ही आपकी मैगी प्रिपेयर होगी, है ना। तो आपने कहा भैया पानी अगर मैं 5 कप ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैगी का एक ही पैकेट है तो वो 2 कप में बन जाएगा और 3 कप पानी एक्सेस में आ जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। तो पानी और मास, मैगी के पैकेट की एक रेशियो है 2:1, उसको आप मेंटेन करके रखोगे तो ठीक है, उसमें से किसी को भी ज़्यादा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक्सेस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के NCERT की डेफिनेशन है, एक बार इसको रीड कर लो, मतलब जो भी समझाया वही है। वीडियो पॉज करके एक बार इसको रीड करो। ठीक है, तब देखते हैं रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन है 28 ग्राम, और बार बार बता रहा हूँ ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, हाइड्रोजन है 6 ग्राम और 34 ग्राम आपका NH3 है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नाइट्रोजन है 40 ग्राम और ये है 10 ग्राम तो ये कितना होना चाहिए? 50 ग्राम होना चाहिए। लेकिन आप पहले चेक करो क्या ये रेशियो सेम है। 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम चाहिए तो 10 ग्राम के लिए 40 तो नहीं चाहिए, 40 से ज़्यादा चाहिए। मुझे दिखाई दे रही है रेशियो यहाँ पे 4.6 की है। ठीक है, 6 का 4.6 या 4.8 करोगे तब जाके 28 आएगा, तो अगर मैं 10 का 4.6 करूँगा तो 46 चाहिए, तो ये रेशियो सही नहीं है, ये रेशियो गलत है, तो 50 ग्राम आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कोई एक रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में है और कोई एक रिएजेंट लिमिटिंग अमाउंट में है। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। NCERT ने N2 और H2 का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया है, जरा देखो। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा इसको दो तरीके हैं करने के, एक तो इनकी मास की रेशियो और एक है इनको मोल कंसेप्ट से करेंगे।
तो मोल कंसेप्ट मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो अभी मास की रेशियो करा रहा हूँ। जब मोल कंसेप्ट कराऊंगा तो उसी के अंदर मैं आपको इस क्वेश्चन को रिपीट करा दूंगा एक बारी मोल कंसेप्ट से, ठीक है। ज़रा देखो, अभी इसने मेरे से कहा नाइट्रोजन लो, हाइड्रोजन लो और एन एस थ्री बनाओ, बना दिया 28 ग्राम ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार करा चुका हूँ पीछे, ठीक है। लेकिन ये तो हम जानते हैं, गिवन क्या दिया इसने हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है ये है 50 केजी, ये है 10 केजी और ये पता लगाना है, ठीक है। तो हमने कहा भैया पहले पता लगाओ लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाए, वही सिंपल यूनिटरी मेथड। 28 ग्राम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 ग्राम है ना, तो 50 किलो को कितना चाहिए होगा, 1 ग्राम के लिए, बीच में करके दिखाऊं पहले भाई, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6/28, तो 50 किलो के लिए कितना चाहिए 6/28 मल्टीप्लाइड बाय 50 × 10^3, तो ये आ गया आपका 300/28 × 10^6। सॉल्व किया तो कितना आया, 10 से ऊपर ज़्यादा जा रहा है, 10.76, रुको रुको रुको, ये 6 को 10^6 लिख दिया गलती से, इतना हाइड्रोजन चाहिए। इसको देखो तो मैं इसको कह सकता हूं 10 किलो 700 ग्राम, देखो तो 50 किलो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 10 किलो 700 ग्राम हाइड्रोजन, इतना है मेरे पास नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 10 किलो है, तो इसका मतलब कम पड़ गया, दैट इज हाइड्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट, हाइड्रोजन कम पड़ गया, मेरे पास 10 किलो हाइड्रोजन है और मुझे 50 किलो के साथ रिएक्ट कराने के लिए 10 किलो 700 ग्राम चाहिए, तो कम पड़ गया, तो ज़्यादा कौन पड़ गया, NH3 वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज इन एक्सेस अमाउंट है ना, तो भैया नाइट्रोजन ज़्यादा पड़ गया और हाइड्रोजन कम पड़ गया, जो कम पड़ा है वही आगे जाके NH3 बनाएगा। 6 ग्राम हाइड्रोजन बनाता है NH3 34 ग्राम, कितना बनाता है 34 ग्राम, 6 ग्राम अगर 34 ग्राम बनाता है तो 10 किलो कितना बनाएगा, 5 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, लो 56.66 kg, ठीक है। अच्छा अगर सीधी साधी कैलकुलेशन करते तो 50 किलो में 10 किलो जोड़ने पर कितना बनना चाहिए था, 60 किलो, लेकिन बना कितना, इतना, तो नाइट्रोजन कितना एक्सेस अमाउंट में है, कितना फालतू है नाइट्रोजन, 60 किलो माइनस 56.6 kg यानी कि 3.4 kg, 3 किलो 400 ग्राम नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है समझो इसको, एक बार वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लो,
बार इसको देख लो, ठीक है। तो ये था आपका लिमिटिंग रेजेंट, इस पर क्वेश्चन भी करा दिया आपको। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 22वां या 23वां क्वेश्चन और है, उसको और देखना आप। अब बारी आती है सॉल्यूशन की। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो ये है क्या? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। होमोजीनियस मतलब जिसमें दो चीजों को मिलाने के बाद उनका फेज सेम हो जाए। दो चीजों को मिलाया, मिलाने के बाद उनका फेज हो गया सेम, तो वो कहलाती हैं चीजें होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाती हैं? हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें मिलाई जाती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स। मिलाएंगे तो, लेकिन सिर्फ दो चीजें मिलाएंगे। तो कौन कौन सी होती दो चीजें होंगी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब इन लीस्ट अमाउंट, सॉल्वेंट का मतलब इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाया आपने, एक को कम मात्रा में, एक को ज़्यादा मात्रा में, और मिलाने के बाद आपने देखा कि उनका फेज सेम हो गया है। एक आध एग्जांपल लेके देखते हैं, शुगर और वाटर। अब एक चीज़ समझ नहीं आती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कब तक रहेंगे? तो कुछ लोग तो कहते हैं भैया पानी ही हमेशा सॉल्वेंट रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मान लो 20 ग्राम पानी को मैं 100 ग्राम पानी में डालूं, हाँ तो ठीक है, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल, 100 ग्राम पानी को मैं 20 ग्राम शुगर में डालूं, अब भी वो सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। लेकिन अगर मैं 20 किलो चीनी ले लूं, उसको 20 ग्राम पानी में डालूं, तो अब ये सॉल्वेंट है। भाई ऐसा क्यों? तो हमने कहा भैया यहाँ बात चल रही है अमाउंट की, और अमाउंट का मतलब क्या होता है? मोल ढूंढो, और मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342 और वाटर का होता है 18। अब जरा आप खुद देखो कि कहां पर किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो वो बन गया आपका सॉल्वेंट, जिसके कम हो वो बन गया आपका सॉल्यूट। लेकिन ये क्राइटेरिया सोलो क्राइटेरिया नहीं है। ज़्यादा बेहतर क्राइटेरिया क्या है आपका? आप ये देखें कि वो किस फेज़ में कन्वर्ट हो गया। जिस फेज़ में कन्वर्ट हो गया वो सॉल्वेंट है। अगर चीनी को पानी में डालोगे तो वो पानी का फेज़ ले लेता है, इसका मतलब पानी सॉल्वेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में एक और ज़रूरी चीज़ है कि जिस सॉल्यूट को आपने मिलाया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। मान लो आप एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी डाल के पीते हैं, और उसी एक ग्लास पानी में दो चम्मच चीनी डाल के पीते हैं। एक और केस लेते हैं, उसी एक ग्लास पानी में आप तीन चम्मच चीनी डाल के पीते हैं, तो आप कहोगे कि भैया जो लास्ट वाला है वो तो बहुत ज़्यादा उसमें चीनी का टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। जिसमें दो चम्मच डाली वो थोड़ा कम मीठा है, जिसमें एक चम्मच डाली वो तो सबसे कम मीठा है। तो तीनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर का। किसका डिफरेंस है? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर का। तो उसको आप किससे मेज़र करोगे और किस किस फॉर्म में मेज़र करोगे? तो हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें बना ली, जैसे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। वॉल्यूम परसेंटेज,
वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तीसरा केस है आपका मोलैरिटी, यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चौथी चीज है मोलैलिटी, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जरा देखो, ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन इसको एक्स से दिखाया है एनसीईआरटी ने, कुछ लोग काई से भी दिखाते हैं। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, दो तीन चीजें समझा दूं मैं आपको, नोट करना। एन का इस्तेमाल करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ई का इस्तेमाल करते हैं हम सॉल्वेंट बताने के लिए, बी का इस्तेमाल करते हैं हम सॉल्यूट समझाने के लिए, वी वॉल्यूम के लिए, डब्ल्यू गिवन मास के लिए और कैपिटल एम, वैसे मोलैरिटी के लिए भी करते हैं, मोलर मास के लिए। ठीक है, अब जरा देखना, तो मोल फ्रैक्शन ए का होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। बी का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दूँ तो ये भी ऐड हो जाएंगे, दिखाई दे रहा है, ऐड करने पे क्या आएगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ए प्लस बी क्या आया आपका 1। ठीक है, तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता चल जाए दूसरे का 1 माइनस कर देना, अपने आप पता चल जाएगा। अब फिर दोबारा एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ों को, मास परसेंटेज को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से भी दिखाया जाता है, डब्ल्यू का मतलब गिवन मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि पूरा सॉल्यूशन इनटू में 100। वॉल्यूम परसेंटेज को वी बाय वी से दिखाया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर या कैपिटल एम, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा, दोनों की मास ही ना, तो कट गए दोनों के मास, केजी से केजी कट गया, नो यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी मोल पर लीटर या कैपिटल एम से। इसको स्मॉल एम से दिखाया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर छोटे एम से। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, मास परसेंटेज क्या होता है समझ में आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है समझ में आ गया, मोलैरिटी समझ में आ गया, मोलैलिटी समझ में आ गया, अब बारी आती है मोल फ्रैक्शन की। ये तो नोट वाली चीज़ है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय दोनों के, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का सम। चलो तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, लेकिन वो CBSE के कोर्स में नहीं है, उसे बोलते हैं नॉर्मैलिटी। कैपिटल N से दिखाई जाती है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसे कहते हैं हम नॉर्मेलिटी, ठीक है। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ये हम आपको किसी और क्लास में समझाएंगे जब बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव की। आगे देखते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको करने के लिए हमें मूल कंसेप्ट करना पड़ेगा पहले, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पहले बात करेंगे मूल कंसेप्ट की, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।